भाई ये चीज़ देखो, सेंसर वाला जो अपने पास होल्डर है भैया, दिखाना एक बार किस तरह से काम करता है। अभी रुको, दिखाना। ये देखो अपने आप, देखो प्लस वायरलेस चार्जिंग रहती है इसमें। तो स्वागत है आपका ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हम आ रखे आरवी कार एक्सेसरी, जो कि अपना करोल बाग में पड़ता है, पीछे डायमंड भैया। भैया थोड़ा बताना आपने गाड़ी आज कौन सी आ रही है हमारे पास। स्विफ्ट आ रखी है, लोवेस्ट मॉडल LXi स्विफ्ट LXi, और कलर बहुत प्यारा है, ब्लू कलर है। ब्लू कलर। तो भैया गाड़ी में क्या काम हो रहा है, बेसिक काम हो रहा है, फुल काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो, सीट को नहीं लगा रहे हैं, फ्लोरिंग है, DRL है, फॉग लाइट है, ठीक है, स्टीरियो है, कंपोनेंट है, ठीक है, डंपिंग है, ठीक है, और सारे काम हो रहे हैं। माउंट कंट्रोल भी लग रहा है या उसको नहीं लग रहा है? ठीक है, तो अभी अपनी गाड़ी में सीट कवर और माउंट कंट्रोल छोड़ के बाकी सारा फुल काम हो रहा है। तो गाड़ी के पास लेके चलते, बहुत प्यारी बिल्कुल नई गाड़ी है, रिबन लगा है मेरे सामने खड़ी है। पहले एक बार बोर्ड दिखाते हैं शॉप का। भाई पार्किंग की ना दिक्कत नहीं है, आप खुली गाड़ी लगाओ, आराम से अंदर बैठो, शॉप पे काम कराओ, बाकी फिर भैया से बात करेंगे। एक बार काम दिखा दे आपको, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है आरवी कार एक्सेसरी, जो कि करोल बाग में पड़ता है, मैंने आपको बताया था। बोर्ड एक बार देख लो, और ये देखो गाड़ी खड़ी है, यहाँ भी एक गाड़ी खड़ी है, अभी यहाँ से गाड़ी गई है, तो पार्किंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाड़ी खड़ी करने के दूर दूर तक जगह है। बाकी ये अपनी स्विफ्ट रहने वाली है, देखो अपना LXi जो कि बेस मॉडल रहता है उस पर काम हो रहा है। तो अगर हम शुरुआत करते हैं अपना फ्रंट प्रोफाइल से, एक बार शुरुआत करते हैं, मैंने आपको एक बार बोर्ड दिखाना था, अब मैं दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है। एक बार फ्रंट साइड आता हूँ, तो जैसे देख सकते हो अपनी ये जो स्विफ्ट रहने वाली स्विफ्ट LXi, भाई अगर बात करें तो अपना ये देखो अपने DRL वगैरह डाल रखे हैं, भैया ने फॉग लाइट डाल रखी है, ये अपना सी शेप DRL आते हैं स्विफ्ट के लिए। भैया एक बार चला के दिखाना यार किस टाइप के अपने रहने वाले। ये अगर फॉग लाइट की बात करें, अपने कंपनी से जो आती है ना वो वाली फिटिंग है, देखो ये देख सकते हो आप। बाकी अपने ये देखो सी शेप जो DRL आते हैं भाई, बहुत प्यारे लगते हैं अपने स्विफ्ट में सी शेप DRL। भैया इंडिकेटर चला के दिखाना यार इसमें, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो भाई क्या लुक आ रही है, ज़बरदस्त वाली लुक आ रही है। थोड़ा मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देख लो आप, अब आपको आइडिया हो रहा होगा भाई किस टाइप के लुक रहने वाली अपनी गाड़ी के। ऑलरेडी ब्लू कलर है भाई, बड़ा प्यारा कलर लगता है स्विफ्ट में ये वाला कलर। उसके अलावा जो अपना गाड़ी में फुल काम हो रहा है, जैसे अब फ्रंट प्रोफाइल अपनी हो गई, अब चलते हैं अंदर की साइड देखते हैं, क्योंकि भैया अपने वॉइजर वगैरह भी लग रहे हैं गाड़ी में कुछ साइड में, वॉइजर वगैरह भी लग रहे हैं। नहीं वॉइजर बाहर काम नहीं लग रहा है। अच्छा सारे अंदर काम, सारा अंदर ही काम हो रहा है, बाकी फ्रंट में जो अपना ये काम हो उसके बाद जो है अंदर काम हो रहा है गाड़ी में, सारे अंदर काम हो रहा है। जैसे ठीक है, पावर विंडो है, ठीक है, अंदर से लग गई जी, सेंटर लॉक लग गया। तो अब हम अंदर की साइड आ गए, जैसे भैया बता रहे हैं अपने गाड़ी में मेन अंदर ही काम हो रहा है, सारा अंदर काम हो रहा है। ये अपना पावर विंडो लग गई, RD की लगी है पावर विंडो, भैया चारों साइड लगी है, मतलब हाँ जी चारों साइड पावर विंडो लगी। उसके बाद ये वेलकम लाइट आप देख सकते हो, स्विफ्ट ब्रांडिंग की बिल्कुल वेलकम लाइट रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं तो भैया फ्लोरिंग भी लगी है अपनी, ये बकेट फिटिंग रहती है जो फ्लोरिंग में भी आती है। हाँ जी है ना, ये इसको डाई कट भी कहते हैं भाई, रिकमेंडेड चीज़ है। मैं हर बार कहता हूँ कि गाड़ी अगर आप ले रहे हो ना तो उसमें ये काम जरूर कराओ। तो जैसे आप देख सकते हो डैम्पिंग वगैरह हो रही है, अगर हम बात करें तो भाई अंदर भी डैम्पिंग हो रखी है, तो डबल डैम्पिंग करवा रखी है। ये देख लो अपने अंदर साइड भी डैम्पिंग हुई है, जो हम इसका सॉरी बाहर साइड कहते हैं बट यहाँ से अंदर लग रहा है, और इस साइड भी ये देख लो आप, ये देखिए अंदर करने का फायदा दिखाओ भैया। और भैया डोर भी देखो, अगर हम बात करें डोर हैवी हो जाता है भाई, फील आती है, पता चलता है चीज़ हुई है। ये देखो, ये देखो इसको दिखा दो, ये देखो, ये देख रहे हो कितना हल्का है, और ये देखो भाई पता चलता है चीज़ का ना, पता चलता है। उसके अलावा भैया अगर डैम्पिंग की बात करो, सबसे बड़ा बेनिफिट अभी हमको पता चलेगा जब ये वाइब्रेशन नहीं होगी, जब हम साउंड चलाएंगे ना। तो बाकी भैया कर रहे हैं, इनको मैं ना डिस्टर्ब करूँ, एक बार काम करने दो। भाई डैम्पिंग देखो क्या क्वालिटी की डैम्पिंग हो रही, पूरी इसको कवरेज की जा रही डोर पे। उसके अलावा वेलकम लाइट मैंने आपको दिखा दी है, और एंड्रॉयड लगा अपना भैया 10 इंची रहने वाला है, अपना 9 इंची सॉरी, ये 9 इंची स्क्रीन रहने वाली है। उसके अलावा पीछे चलते हैं तो पीछे भी अपना रियर कैमरा लगा है, एक बार आप ये क्वालिटी देख लो स्क्रीन की, उसके बाद कैमरे का आउटपुट वगैरह सब दिखाऊंगा, क्योंकि अभी काम हो जा रहा है, तो देखते जाओ जो जो होता जा रहा है, उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट आउटपुट दिखाऊंगा क्या रहा है। ट्विटर डाले हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है। भैया स्पीकर वगैरह कौन से डले अपनी गाड़ी में? JBL के कंपोनेंट लगे। तो जैसे देख सकते हो आप ये कॉपर की वायरिंग हो रही है भाई, अपनी एम्प लगने वाली। भैया कौन सी एम्प डिसाइड किए हैं आपने गाड़ी में स्विफ्ट में? TVS कंपनी का लगा रहे हैं। TVS कंपनी, कितना वो रहने वाला है उसका आउटपुट वगैरह अभी वॉट की लगाने के बाद आपको चेक करा? ठीक है ठीक है, आउटपुट चेक करेंगे, दिखा दूंगा कितने वॉट के। बाकी भैया भी काम कर रहे हैं, बैक साइड पे चलते हैं। तो ये JBL के अपने जो है कंपोनेंट लगे आगे पीछे डबल साइड, और भाई ये वायर जो लगने वाली अपनी कॉपर की वायरिंग रहने वाली है,
भैया बात करते हैं, क्या वारंटी वगैरह रहने वाली अपनी कॉपर के बारे में? सर एक साल की वारंटी है। एक साल की वारंटी है, वायरिंग करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साल की वारंटी है। वैसे दिक्कत आती भी नहीं भैया कॉपर की वायरिंग में, इनफैक्ट मेरी गाड़ी में कॉपर की वायरिंग हो रखी है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। दिक्कत आती नहीं भाई, हाई क्वालिटी की रहती है। उसके अलावा बात करते हैं, अपना कैमरा भैया ने इंस्टॉल करवा लिया, रियर कैमरा है। बाकी क्योंकि इसको पार्किंग कैमरा भी कहते हैं, ये अभी ये सेटिंग होएगा जी, सेटिंग होगा, अंदर जाएगा अभी, मतलब प्रॉपर फिक्सिंग अभी होनी है इसकी। आउटपुट देखेंगे किस टाइप का आउटपुट रहने वाला। बाकी स्क्रीन की क्लैरिटी देखो आप, थोड़ा सा मैं करीब से आपको एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, इसे देख पा रहे होगे काफ़ी क्लियर स्क्रीन की, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी रहने वाली है। उसके बाद अभी मैं दिखाऊँगा कैमरा फिक्स हो जाए क्या आउटपुट रहने वाला है रियर कैमरे का। तो जैसा देख सकते हो अब अपना पूरा पैक होने जा रहा है, ये अपने स्पीकर रहने वाले हैं JBL के। भैया उसके ट्विटर कहाँ पे डाले आपने? ट्विटर ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा ये ट्विटर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब भैया एक बार पूरा पैकिंग कर दो। तो भाई ये कवरेज देख रहे हो, क्या जबरदस्त कवरेज रहने वाली, जबरदस्त डैम्पिंग हो रखी है। बाकी अपना ये देखो डोर भारी हो गया, वो मैंने आपको दिखाया था डैम्पिंग का फ़ायदा। अब जो मेन चीज़ है ना, क्योंकि भैया ने JBL वगैरह के अपने कॉम्पोनेंट वगैरह लगे, तो सिस्टम थोड़ा हैवी रहने वाला है, तो जो वाइब्रेशन है ना वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, वाइब्रेशन होएगी नहीं। तो डैम्पिंग का ये काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट होता है, आप देखो प्रॉपर पैकिंग हो गई। बाकी अगर हम बात करते हैं उसके अलावा, जैसे आप देख सकते हो अपने पास ये WRV भी आ रखी है, एक नॉमिनल सा काम हो उसमें। अगर हम बात करते हैं, ऐसे आप देख पा रहे हो अपनी गाड़ी में सीट कवर लगे हैं, ये प्रॉपर बकेट फिटिंग रहने वाली है जैसे आप देख सकते हो। उसके अलावा फ्लोरिंग वगैरह हो गई है अपने इसमें, तो देख सकते हो ऐसे अपने फ्लोरिंग वगैरह ही, और ये जो है सीट कवर लगे हैं, तो इस टाइप का काम हुआ है। बाकी अब चलते हैं स्विफ्ट की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा अपना काम। तो जैसे देख सकते हैं ये MyTVS का भैया लग रहा है, MyTVS का 4 चैनल लैंप लग रहा है, ठीक है। थोड़ा दिखाना कितने वॉट का रहने वाला है, थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करके दिखाना है एक बार भाइयों को, अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं किस टाइप का रहने वाला है। तो जैसे देख सकते हो MyTVS का ये ऐम्प लगने वाला है, 4 चैनल का। आउटपुट देखेंगे भैया, मज़ा आने वाला है भैया आउटपुट में। देख सकते हैं एम्पलीफायर का इंस्टॉलेशन वगैरह चल रहा है। भैया बेस ट्यूब वगैरह लगने वाले हैं कुछ, या फिर अपने नहीं, खाली कंपोनेंट बेस ट्यूब भी है, बाद में लगवा, ठीक है बाद में लगेगा। बाकी साउंड काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ऐसे अपने दोनों साइड JBL के कॉम्पोनेंट लगे, मैंने आपको दिखाया था। बाकी करो भैया आप डिस्टर्ब मत हो, तो भैया को करने थे काम। बात करते हैं अपने इधर जो है व्हील कवर्स वगैरह डलने वाले हैं, अभी देखो ये बेसिक सिंपल रहने वाले हैं, तो अभी इंस्टॉलेशन वगैरह होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई, उसके बाद लुक के क्या कितना डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि तो अगर आप वैसे एलॉय वगैरह अगर नहीं लगवा सकते, आपको थोड़ा बजट से आउट हो रहा है, तो भाई कम से कम गाड़ी में व्हील कवर जरूर लगवाओ, कम से कम थोड़ी लुक आ जाती है भाई। ये देखो ना, थोड़ा गाड़ी की अगर जितना मर्जी अच्छा काम करा रहा हो, थोड़ा सा अगर व्हील साइड से ना थोड़ा ये कमी रह जाती है। बाकी भैया ये ब्लैक कलर के कवर लगवा रहे, तो भाई एक बार देखो अभी लगवाते कितना लगते कितना डिफरेंस आ जाएगा आपके सामने। अभी पूरा मैं लुक दिखाऊंगा आपको किस टाइप की रहने वाली है, देख सकते हो। अभी देखो लो आप, अब व्हील कवर्स डल गए इस पर, तो आप देख सकते हो भाई लुक में काफ़ी चेंज आ गया, टोटल बहुत अच्छा लुक रह रहा है। इस साइड बात करते हैं तो देखो अपने बेसिक व्हील्स हैं, तो अब आप देख सकते हो भाई कितना एक नॉमिनल से कॉस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है गाड़ी के लुक में। थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, तो जैसे देख सकते हो अपनी गाड़ी पूरी रेडी होगी। फॉग लाइट्स वगैरह मैंने आपको दिखा दी थी, ये अपने बेसिक फॉग लाइट जो अपने कंपनी से आते हैं उस तरह के लगे। उसके अलावा जो DRL सी शेप DRL मैंने इसका आपको आउटपुट वगैरह दिखाया था, ये देखो भैया ने इंडिकेटर चला के दिखाया, तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही गाड़ी की, बिल्कुल नई गाड़ी है। ऐसे देखो रिबन वगैरह लगा हुआ है। अब जो अपना मेन का उस टाइम काम हो रहा था अपने, जो एंड्रॉयड डल चुका है मैंने आपको दिखाया था, और जो मेन उस टाइम काम हो रहा था अपना कैमरा वगैरह फिट हो चुका है। एक बार पीछे से आपको दिखाता हूँ, तो जैसे देख सकते हो अपना कैमरा वगैरह फिट हो चुका है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ और साउंड सुनाता हूँ, जो अपने डैम्पिंग वगैरह और की इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया ऐप का पूरा, अब मैं साउंड सुनाता हूँ किस टाइप का साउंड रहने वाला है। तो एक बार फिर से हम अंदर आके पावर विंडो वगैरह दिखाऊंगा अभी मैं आपको, पहले पावर विंडो का ही दिखाया था, ये देख लो आप जिससे देख सकते हो। अभी मैं फंक्शन भैया एक बार अपनी साइड भी पावर विंडो वगैरह दिखाना। उसके अलावा वेलकम लाइट लगी है स्विफ्ट की ब्रांडिंग वाली, जैसे आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा हम अंदर की तरफ आ गए, ये देख लो, बाकी से चारों साइड की पावर विंडो लगी है, तो दिखाऊंगा अभी पूरा। एक बार बाहर निकल के लॉक करूंगा ना डोर को, खोल के शीशा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अपने आप ही शीशे बंद होंगे, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। उसके अलावा फ्लोरिंग हो रखी है, और ये अपना ग्लास मैट जो भैया ने लगवा रखा है, ग्रास मैट कहते हैं इसको, क्योंकि फ्लोरिंग हो रखी है तो 70 ऑप्शनल है, आप करवाओ ना करवाओ। उसके अलावा ये परफ्यूम भाई बहुत, ये भैया कौन सा मशरूम फ्लेवर है क्या? मशरूम फ्लेवर है, मशरूम शेप में। भैया जो मेन चीज़ अपना ये जो इंस्टॉल हो चुके अपने कॉम्पोनेंट वगैरह, थोड़ा सा साउंड सुनाना है इसका किस टाइप का साउंड रहने वाला है। अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ भाई, थोड़ा सा वॉल्यूम करेंगे ना, जबरदस्त साउंड रहने वाली है, मैंने अभी सुनी थी, अब देखो सुनो साउंड।
सुन सकते हो भाई, काफ़ी अच्छी साउंड है और मैं गाड़ी से काफ़ी दूर हूँ और आप देख सकते हो किस टाइप का आउटपुट आ रहा है। अभी अपने अगर भैया इसमें अगर एम चल चुकी है तो अगर बेस ट्यूब वगैरह लगवाते तो और हैवी बेस हो जाता, बाकी साउंड काफ़ी हैवी रहने वाला है। जैसे आप सुन पा रहे होगे साउंड, जैसे सुन लिया बहुत ज़बरदस्त साउंड रहने वाला है। अभी और बढ़ सकता था ना भैया बेस ट्यूब वगैरह लगाते। भैया एक बार थोड़ा बैक गियर डाल के दिखाना है, जैसे देख पा रहे हो अभी पीछे गाड़ी आ रही है तो इतना फोकस नहीं हो पा रहा। ये जैसे देख सकते हो लगभग अपने 8:30 बज रहे हैं और क्लैरिटी आप देख सकते हो क्या जबरदस्त क्लैरिटी रहने वाली है, विद आपको पूरे इधर को सेंसर वगैरह रहने वाले हैं। तो एक नॉमिनल सी कॉस्ट में जो है प्रॉपर आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। अगर आप एंड्रॉयड लगवा रहे हो, स्क्रीन लगवा रहे हो अपनी गाड़ी में, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर ये काम करो ना तो आप कैमरा जरूर लगवाओ, एक एडिशनल फीचर मिल जाता है भाई। ये चीज़ देखो सेंसर वाला जो अपने पास होल्डर है, भैया दिखाना एक बार किस तरह से काम करता है। अभी रुको दिखाना, ये देखो अपने आप देखो, प्लस वायरलेस चार्जिंग रहती है इसमें, ये देख लो आप। तो ये चीज़ बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऊपर से देखो प्रॉपर फिटिंग हो रखी है यहाँ पे, तो गिरने का भी कोई चांस नहीं है। और निकाल के दिखाना भैया एक बार कैसे निकलेगा। भैया अपने पास कोई भी फ़ोन हो सबकी चार्जिंग हो जाएगी इससे। तो ये भैया क्या नाम है भैया आपका? जीतू नाम है। तो जीतू भैया बड़ी मेहनत करते हैं भाई, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी बनाते हैं, यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो बाकी देख सकते हो गाड़ी में भैया बहुत बढ़िया काम किया आपने, तो ठीक है भैया। बाकी एक बार गाड़ी का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ आपको भाई, किस टाइप का व्यू रहने वाला है गाड़ी का दिखाना, जो फीचर अपना सेंटर लॉकिंग लगी और क्या फीचर हमको मिले। जैसे ही सेंटर लॉकिंग का बटन हम लॉक करेंगे, हाँ जी, चारों विंडो एक ये 1x1 ऊपर हो जाएगी। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो जैसे आप, ये देखो। तो इस समय अपनी गाड़ी लॉक होगी। जैसे भाई कई बार हम लोग कोई शीशा वगैरह बंद करना भूल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही शानदार लॉक कर दी, बंद हो जाएगी चारों शीशे। या अगर कोई हम एक भी खुला छोड़ दे तो वो भी बंद हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया फीचर है। बाकी अब मैंने सेंटर लॉकिंग वगैरह भी दिखा दिया आपको, अब एक बार गाड़ी का अनलॉक होगी गाड़ी, ये देख सकते हो। तो अब एक बार ना आपको गाड़ी का जो है 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ, किस टाइप का लुक रहने वाला है गाड़ी का। गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देखो भाई, गाड़ी का क्या काम हुआ है, A1 काम हुआ है। भैया आए हमारे पास स्विफ्ट LXi लेके, जो कि काम दिखाया मैंने आपको। तो भैया कहाँ से आए आप? हम नांगलोई से। नांगलोई से आए भैया हमारे यहाँ। तो भैया क्या कहना है काम के बारे में, सेटिस्फेक्शन है? तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था? हाँ, उसे बैटरी मिला है। बैटरी मिला है। और कॉस्टिंग वगैरह बात करें तो क्या बजट में काम हुआ है या थोड़ा सा आपको जो एक्सपेक्ट किया? बजट के अंडर ही काम हुआ है, मतलब अच्छे प्राइस में बातचीत। ठीक है, और बात करते तो भैया क्या कॉस्ट है काम में, जो काम हुआ आपकी गाड़ी में? ये मैंने यहाँ पर पहले देखा है और कहीं और भी ट्राई करके आया, 54,000 का काम था। यहाँ पर आगे हो गया उसके अंदर ही अंदर 50,000 के अंदर अंदर हो गया सारा। तो मतलब जैसे आपने कहा, मतलब मार्केट से आपने पता किया था 54,000 बन रहा था और यहाँ 50 के अंदर ही आपका काम हो गया। अंडर ही अंडर 50 के अंदर। तो भाई 4,000 तो सीधा सीधा बच गए ये तो। और उसके बाद वैसे तो 48,000 में बिल्कुल हो गया था। अच्छा, हाँ बाकी अच्छा रहा है बिल्कुल। ठीक है, 48 में आपका काम हो गया। चलिए, सेटिस्फेक्शन लेवल कम्प्लीट है। चलिए थैंक यू भैया। तो डायमंड भैया यहाँ पे मिलेंगे आपको RV कार एसेसरी। भैया कस्टमर बहुत खुश हो गए हैं, बहुत मतलब कह रहे हैं मार्केट से भी कम रेट मिला है। और कहीं उन्होंने बात की थी 2-3 जगह, 54,000 का जो उनका एस्टिमेट बन रहा था काम का, वो 48 में हो गया बता रहे हैं। हाँ, काम से काफ़ी खुश है भैया। तो भैया थोड़ा सा ये बताना कि गाड़ी में जो है अपना कोई आता है आपके पास गाड़ी में, एक तो क्या क्या काम हुआ एक बार डिटेल में बताना, मैंने दिखा दिया। और कोई आपके पास आता है तो कितने बजे से ले कितने बजे आपकी शॉप खुली रहती है और किस दिन आ सकता है? 10:30 बजे से लेके 9 बजे रात तक खुली रहती है। काम अगर ज़्यादा हो गया ठीक है तो रात के 10-11 बज जाएगा। ठीक है, इसमें गारंटी नहीं। तो 7 दिन खुली रहती है या कोई छुट्टी? 7 दिन खुली रहती है। 7 दिन खुली रहती है। तो बाकी भैया स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इनसे बात कर सकते हो। भैया स्विफ्ट के काम के बारे थोड़ा सा बताना, क्या क्या काम हुआ थोड़ा सा? इसमें 2 सेट कंपोनेंट लगा है, सेंटर लॉकिंग,
पावर विंडो, पिकअप लाइट और एम्पलीफायर, फ्लोरिंग, ठीक है, ट्रे और मतलब कि व्हील कवर, डीआरएल, फॉगलाइट और काम बहुत हुआ है। और बाकी मैंने सारा दिखाई दिया आपको वीडियो में, बाकी ये भैया आपको मिलेंगे, ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो, सातों दिन ओपन रहते हैं। बाकी एक बार शॉप दिखा देता हूँ भैया, ये देख लो आप सारी वैरायटी जो है यहाँ भैया के पास ए टू लेके जेड तक मिलती है। ये आप देख सकते हो जैसे पूरा फुल काम है यहाँ पे, ये देख लो मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको। एंड्रॉयड चाहिए, बेस ट्यूब चाहिए, व्हील कवर चाहिए, कार परफ्यूम छोटी छोटी बड़ी से बड़ी एसेसरी ले भैया। एक चीज़ और बताओ, अगर कोई कस्टमर आपसे कहीं कोई दूर से है और कुछ कोरियर मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास सुविधा है? कोरियर भी करवा देंगे। तो भाई देख लो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी आप भैया से बात कर सकते हो। तो ठीक है भैया, थैंक यू।